स्वागत है टू सफाई चैनल में। आज बनने जा रहे हैं आंवला का मुरब्बा। आंवला बहुत विटामिन सी से भरपूर रहता है, ये आंवला खाना चाहिए सीजन में। और आंवला बहुत अच्छे सस्ते में मिल भी जाता है आसानी से, और तो कोई सीजन में मिलता नहीं। इसका इस समय सीजन चल रहा है, तो इसका मुरब्बा, चटनी, अचार आप कुछ भी बना के खाओ। तो आज हम बनाने वाले हैं इसका मुरब्बा। मुरब्बा इसका बहुत बढ़िया लगता है खाने में भी, और इसके विटामिन सी से बहुत भरपूर रहता है। एकदम एक संतरे में जितना विटामिन नहीं है, तो उतना इसे एक आंवले में रहता है विटामिन सी। अब आगे तैयारी हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक इस तरह का आप लोग आपके घर में रहता है मैगी वेगी बच्चे खाते हैं, तो उसको ऐसे लेने का और इसको आठ दस बार ऐसे थोड़े थोड़े जगह पे दूरी दूरी पे इसको पीक करने का। इसको सब जगह ऐसे इसी तरह इसको एक आंवले में आप 18 से 20 बार ऐसे ऐसे इसको सब जगह करोगे। इसमें क्या है, जो चाशनी हम बनाएंगे और इसको जब चाशनी में हम डुबाएंगे, तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर चाशनी अब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर आसानी से चाशनी चली जाएगी, बहुत बढ़िया बनता है। इसी तरह हम इसको सब आंवले को इसी तरह पिक कर लेते हैं। पोक कर ले लिया है, सब में पिक कर हो गया है होल, अच्छी तरह से मैं सब जगह होल कर ली। अब हमें आगे का तैयारी करते हैं। अब हम एक टोप लेंगे, उसमें आधा टोप मैंने पानी लेंगे और पानी उबालेंगे। उबाल के फिर इसमें सब आंवले को डाल देंगे एक घंटे के लिए। आप देख सकते हैं पानी मेरा उबल रहा है अच्छी तरह से। अब हम इसमें दो इलायची डाल देते हैं। इलायची से क्या है, पानी में घुल जाएगा। हम फिटकरी और चूना कुछ नहीं यूज करेंगे। अब इसी तरह हम इसमें आंवले को जो पोक करके रखे थे, वो इसमें हम डाल देते हैं सब आंवले को। और एक घंटा डाल के मैं ऐसे इसको ढक के रख दूंगी, ताकि इसमें अच्छे से कलर इसका चेंज हो जाए, थोड़ा पक जाएगा। इसको तो एक घंटे के लिए इसे ढक के ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखो एक घंटा हो गया है, और इसका कलर भी देख सकते हैं आप कि पहले से कैसा कलर था, भी कैसा कलर हो गया है। अब देखो अलग कलर हो गया, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक डिश में, और इसको पहले निकालेंगे, फिर इसको एक कपड़े से या तो टिश्यू पेपर से आप अच्छे से इसको पोंछ लो। पोंछने का अच्छे से भी मैं इसको सब निकाल के पोंछती हूँ। देख सकते हैं जो मैं आंवला उबाल के ली थी, अब एकदम सूख गया। मैं पंखे के नीचे निकाल के रख दी थी, अब ये सब सूख गया। आप पोंछ भी सकते हैं अच्छी तरह से और सुखा भी सकते हैं, तो मैं पंखे के नीचे रख दी थी, सब सूख गया। धूप में भी सुखा सकते हैं, पर ये बस इसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हम इसके और आगे मैं क्या करती हूँ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं देखो पीसी शक्कर ली हूँ। आपके पास अगर पीसी शक्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शक्कर को थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के घुमा लो। और पीसी शक्कर से क्या रहता है कि जब हम इस आंवला को शक्कर को पहले मैं सूखा एकदम मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करने से क्या रहता है कि वो जो होल में है अच्छे से शक्कर चले जाएगा, और जब हम इसको गर्म करेंगे उबालेंगे अच्छी तरह से, तो एकदम शक्कर इसमें अंदर अंदर तक घुस जाएगा इसके होल में, और खाने में बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो हम एक टोप ले लिए। अब हम सारे शक्कर सब 250 ग्राम शक्कर है, 300 ग्राम अब हम इसमें सब मिला ले, शक्कर डाल देते हैं टोप में। सब शक्कर को डाल दिए, अब हम सब आंवले को इसमें डाल देती हूँ इस शक्कर के साथ। पीसी शक्कर रहने से बहुत फायदा होता है कि इसमें अच्छे से सोखेगा, इसमें अच्छे से जब हम चम्मच से एक चम्मच लेंगे और इसमें अच्छी तरह से इसको शक्कर को ये इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे, इतना टेस्टी मुरब्बा बनेगा आपका कि पूछो मत। और अच्छे से ये और सोख लेगा पानी जो इसमें थोड़ा भी होगा, ये जो इसमें हम पोक से वो होल करे थे उसमें अच्छे से सोख लेगा, और अच्छे से ये शक्कर उसमें घुलेगा। आप मिश्री भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, जो मिश्री आता है गुड़ आता है वो और हेल्दी होता है।
अब सबको हम देखो अच्छे से मिक्स कर लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इस वक्त इसमें सिर्फ 3 चम्मच पानी डालेंगे, फिर गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं शक्कर अच्छे से मिला ली हूँ कि एकदम व्हाइट व्हाइट हो गया है, लड्डू के तरह लग रहा है। अब हम दो ज़्यादा शक्कर नहीं डालेंगे और कुछ, अब हम सिर्फ 3 चम्मच इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे अब चलते हैं गैस की तरफ, अब हम इसको पकाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि गैस पे मैं रख दी हूँ, 2-3 चम्मच पानी डाली थी। अब धीरे धीरे ये शक्कर पिघल रहा है, आप देख सकते हैं शक्कर पिघल रहा है। अब हम इसको इसी तरह हम इसको आधा घंटा तक पकाएंगे, जब तक ये गुलाब जामुन जैसा एकदम कलर आ जाएगा, जब तक तब तक हम इसको उसी तरह पकाएंगे। जब तक इसका कलर गुलाब जामुन जैसा नहीं होगा तब तक हम इसको पकाएंगे। और अभी हम गैस कम करके इसको धीरे धीरे शक्कर पिघल रहा है, आप देख सकते हो उबल रहा है थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है मुरब्बा। अब ये देखो एकदम छोटे छोटे हो रहे हैं, थोड़े सिकुड़ रहे हैं। अब इसी तरह हम इसको पका लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका चाशनी, और ये अभी ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे फेन फेन होगा और पकेगा। अब देख सकते हैं कलर भी कितना रेड कलर हो रहा है धीरे धीरे, और सिकुड़ हो रहा है। अब इसी तरह हम 10 मिनट और पकाएंगे इसको। आप देख सकते हैं मैं बीच में आपको दिखाई थी कलर कैसा था, अभी देख सकते हैं लग रहा है ना गुलाब जामुन जैसा। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन जैसा लग रहा है ना। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ठंडा कर लेंगे। मैं अब हम देख सकते हैं इलायची का पाउडर इस वक्त डालेंगे ताकि इसका खुशबू बना रहे। हम लास्ट में डालते हैं इलायची पाउडर ताकि इसका खुशबू भी खाने में आए, इसका फ्लेवर बहुत हट के आता है। इसके लिए मैं इसमें अब डाल दी। आप देख सकते हैं इसकी चाशनी भी बहुत पतली है अभी तक, क्योंकि खुद विटामिन सी है। इसमें नींबू उबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका चाशनी है तो खुद विटामिन सी है। देख सकते हैं इसकी चाशनी और ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो मैं उसके जगह पे एक अब भरने के लिए मैं एक देखो भरनी है इस तरह। अब इसको मैंने धो के एकदम सूखा करके ले लिया, जरा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपका मुरब्बा सब खराब हो जाएगा। ऐसे आप सालों साल रखोगे कभी खराब नहीं होगा। अब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें भर ले के रख देंगे, कभी ख़राब नहीं होगा। अब इसका चाशनी और ये मुरब्बा मैं इसी तरह इसमें भर देंगे। आप देख सकते हैं मेरा मुरब्बा बन के तैयार है, एक उठा के आपको दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।